हाय एवरीवन, रिसेंटली डेटा लीक का केस सामने आ रहा है। डेटा लीक मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप कि जैसे किसी का कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना और उस इन्फॉर्मेशन का एक तरीके से मिसयूज होना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई रैंसम कॉल कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा। उस रैंसम कॉल में या तो आपका कुछ कार्ड नंबर का डिटेल पूछा जाता है या कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बने रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा लीक। तो अब रिसेंटली हुआ क्या है कि ऐसा कुछ न्यूज सामने आया है कि अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक कुछ इंडियंस का हुआ है। जैसे एक फोरम है दैट इज नोन एज ब्रीच फोरम, तो ब्रीच फोरम के अकॉर्डिंग कुछ 81.5 करोड़ इंडियंस का डेटा लीक हुआ है जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल है और वहां से जिसे भी बाय करना चाहे, जो भी बाय करना चाहे खरीद सकता है। सबसे बड़ा अगर डेटा लीक का रिस्क देखें तो वैसे तो अक्सर हर चीज़ में रिस्क होता है, लेकिन अगर सबसे बड़े रिस्क की बात करें तो जैसे सिम स्वैपिंग होता है ना, मान लीजिए कि अगर आपके आधार का डेटा लीक हो गया तो वहाँ से सबसे बड़ा रिस्क सिम स्वैपिंग में बना रहता है। और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। अब बात आता है कि ये जो डेटा लीक हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि 81.5 करोड़ इंडियंस का डेटा ऑन सेल अभी अवेलेबल है डार्क वेब पे। अब ये डेटा लीक हुआ किस कहाँ से है ऐसे देखते हैं। तो एक हैकर मतलब जिसका आईडी नंबर कुछ PWN001 बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो डेटा लीक हुआ है वो बेसिकली IMR के डेटाबेस से हुआ है, सॉरी ICMR के डेटाबेस से हुआ है। ICMR के डेटाबेस से होने का क्या मतलब है? अक्सर कोविड में हुआ क्या कि सबको वैक्सीनेशन करानी थी। अब उस वैक्सीनेशन में सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो सबका अप्रॉक्सीमेटली पर्सनल डेटा रजिस्टर्ड हो गया ICMR के पास एक स्केटर्ड फॉर्म में। जैसे कुछ डेटा जैसे NIC के पास चला गया, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चला गया, कुछ ICMR के पास। तो जो भी ये डेटाज हैं, हालांकि ये डेटा स्केटर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये डेटा जो लीक हुए, कहा जा रहा है कि ये सारे डेटा वो ICMR के डेटाबेस से लीक हुए। और जो भी लीक होने का मेन रीजन है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं COVID-19 में जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे वैक्सीनेशन के लिए, वहां से कनेक्टेड है। अब इसमें लीक होने के क्या क्या लीक हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, कुछ अल्टरनेट नंबर भी आपने दिया होगा, पासपोर्ट नंबर भी लीक होने के चांसेस हैं, आधार नंबर और एज। अब ये डेटा अगर लीक होता है तो आपके पास डिफरेंट रैंसम कॉल आ सकते हैं, कुछ पीसिंग वगैरह के खतरे भी बन सकते हैं। अब जैसे अमेरिका की एक एजेंसी है जो साइबर एंड सिक्योरिटी पे काम करती है, दैट इज रीसिक्योरिटी, तो उसने बोला है कि $80,000 अप्रॉक्सीमेटली $80,000 में ये 81.5 करोड़ इंडियंस के जो डेटा है वो फिलहाल बिकने के लिए अवेलेबल है। सो ये काफ़ी रिस्की है डेटा लीक, काफ़ी बड़ा रिस्क है और अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक है अगर ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।